क्लास 8 चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 5 फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 4/5 और 2/3 और 4/5 के बीच में हमें 5 रेशनल नंबर लिखने हैं। कैसे लिखेंगे तो आप देखिए 2/3 और 4/5 पहले तो मैंने बताया आपको डिनोमिनेटर सेम करें सबसे पहली स्टेप तो इनटू 5 और इनटू 5 सिमिलरली इनटू 3 और इनटू 3 तो क्या आता है देखिए 10 बाई 15 आ जाएगा और ये आ जाएगा 12/15 क्लियर है। अब 10/15 और 12/15 क्लियर। अब इसके बीच में आपको रेशनल नंबर पुट करने थे तो अब इससे ऐसा करते हैं इसमें सेम अब ज़्यादा रेशनल नंबर लिखने हैं तो हम 4 का इनटू इधर कर देते हैं 4 का इधर और इधर 4 का और इधर भी 4 का तो ये आएगा 40/60 और यह आएगा 48/60 तो इसके बीच में रेशनल नंबर लिखने हैं तो क्या हो जाएंगे 41/60 42/60 43/60 44/60 45/60 इवन आप ज़्यादा भी लिख सकते हैं। तो ये 5 रेशनल नंबर इंसर्ट करने थे तो आप ईजिली कर पाएंगे। सबसे पहली स्टेप है आप डिनोमिनेटर को सेम कीजिए फिर उसके बाद एक बड़ी नंबर से किसी भी एक बड़े नंबर से आप इनटू कर दीजिए। गैप ज़्यादा पूछा है 5 रेशनल नंबर 10 रेशनल नंबर पूछे हैं तो आप 4 से 5 से इनटू कर दीजिए एक ही नंबर से आपको सिंगल नंबर से जैसे मैंने यहाँ 4 से इसमें भी पूरे में इनटू किया है पहले डिनोमिनेटर सेम किया फिर सेम नंबर से इनटू किया और उसके बीच में रेशनल नंबर हम इस तरीके से लिख सकते हैं। दूसरा है इसी में 5 में सेकंड पार्ट है -3/2 और 5/3 तो मेरे हिसाब से आप समझ चुके होंगे कि इनटू सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम करना है तो यहाँ 3 का यहाँ 2 का और यहाँ पे भी 2 का तो ये नंबर आ जाता है -9/6 और ये आता है 10/6। आप बहुत ईजिली इसमें तो नंबर इंसर्ट हो सकते हैं क्योंकि -8/6 -7/6 और -6/6 तो 1 हो जाएगा -6/6 यानी कि -1 हो जाएगा और 1/6 2/6 3/6 तो ऐसे करके आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से अपन नंबर्स लिख सकते हैं इसके बीच में सबसे पहले डिनोमिनेटर को सेम करते हैं और फिर उसके बाद में थोड़ा सा आइडिया लगा कि नंबर्स हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे जैसे इसमें हो गए थे और पहले में अपन को 4 का इनटू करना पड़ा था यहाँ तो पहली स्टेप के बाद में ही हम नंबर्स लिख पाए। तो ये सारी चीज़ आप देख लीजिए इस तरीके से अपन करते हैं -8/6 हो गया -7/6 -6/6 -1 हो जाएगा फिर 1/6 कर दीजिए।